हमारी मम्मा जो थी हमको एक पाठ पढ़े, बहने तो बहुत इकट्ठे रहते थे ना, मम्मा नोट कराती थी मानो कोई ने किसको थोड़ा बहुत तेज बोल दिया, तेज बोल दिया। किसकी नेचर होती है थोड़ा तेज बोलने का, किसकी होती है नॉर्मल बोलने का, तो थोड़ा क्रोध समझो आ गया। और जिसके ऊपर क्रोध किया वो भी मम्मा के पास गई और क्रोध वाली भी मम्मा के पास गई। तो क्रोध वाली को तो मम्मा कहती थी देखो हमारा शिव बाबा प्यार का सागर, तो प्यार के सागर की बच्ची और क्रोध आ जावे ये आपको अच्छा लगता है? तुम्हारे में कभी भी मम्मा हमको गलती वाले को जोश से बोल करके समझावे तुमने गलती की क्यों की क्या किया ये नहीं। मम्मा पहले मैं माँ करती थी, बच्ची तुम तो बहुत अच्छी पुरुषार्थ ही है, तुम्हारे में ये गुण है, मम्मा जानती है आप क्या हो कैसी हो। अरे इतने गुण होते हुए इतना बाबा मिला ज्ञान मिला, बाकी छोटी सी गलती रह गई है उसको मिटाना क्या बड़ी बात है, तुम हो कौन? पहले स्वमान दिलाती थी, कभी भी जाते हुए शिक्षा के ऊपर समझानी देवे ये नहीं करती थी। और मानो कोई क्रोधी गया और दूसरे जिसको क्रोध किया वो भी मम्मा के पास आता था तो मम्मा पहले उसको चेक कराती थी, तो उसने क्रोध किया बहुत खराब है, ठीक है करना नहीं चाहिए क्योंकि बाबा तो प्यार का सागर है, क्रोध तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम जो मेरे पास आई हो तुम्हारे को फीलिंग है कि इसने मेरा बुरा किया, इसने ये किया, इसने, तुम जो सुना रही हो मेरे को रिपोर्ट दे रही हो वो थोड़ा सा फीलिंग के आधार से दे रही हो, मम्मा बहुत किया ना, मम्मा थोड़ा तो आएगा ना। तो मम्मा कहती थी देखो उनका क्रोध रंग है लेकिन आपके जो फीलिंग है मेरे ऊपर क्रोध किया ये किया, फीलिंग से जो तुम मेरे पास आई हो वो राइट है, क्योंकि फीलिंग जो है वो तो दिल को और ही खराब कर देती है। हमारे में आपस में क्लास चलता था तो उसमें यही चलता था, तो फीलिंग जब मनुष्य को आती है ना दिल में तो बिल्कुल फिलू बुखार जैसी हालत होती। अगर फीलिंग मेरे में आया ये ऐसी है, ये क्रोधी है, ये रंग किया क्यों किया क्या किया, तो जैसे फ्लू के बुखार में क्या होता है, खाना अच्छा लगता है, नींद आती है, परेशानी होती है, ऐसे फीलिंग जब कोई भी बात की आ गई तो फीलिंग एक फ्लू बुखार के समान है। तो मम्मा कहती थी अभी सोचो कोई बंदा हुआ है रस्सी में और दूसरा भी बंदा हुआ है, तो बंदा हुआ बंदे हुए को छुड़ा सकता है? तो तुम्हारे में फीलिंग उसमें क्रोध, आपका मानेंगी क्यों वो?